स्वागत करते हैं आपका इस स्टूडेंट में। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है उसका नाम है इन द अर्लियर सिटीज। तो इन द अर्लियर सिटीज में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग की जो सिटीज थी, जैसे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगन के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे। इनके हाउस पैटर्न कैसे थे वो जानेंगे, इनका ड्रेनेज पैटर्न क्या था वो जानेंगे। तो जो हमारा इन द अर्ली सिटी चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन किसका है, जसपाल और हरप्रीत दो लड़कों का। वो करते क्या है, वो अपने घर के बाद क्रिकेट खेलते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक ग्रुप पीपल का वो जाता है एक बिल्डिंग के पास। उस बिल्डिंग को ये लोग हॉन्टेड प्लेस बुलाते थे, क्योंकि टूटा हुआ भंगार टाइप का था, खंडहर हो चुका था, इसलिए उसको हॉन्टेड प्लेस बुलाते थे। तो ये लोग सोचते हैं कि ये सारे लोग याद क्यों कर रहे हैं। फिर ये सुनते हैं उनको बात करते हुए कि कोई कहता है कि लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग, कोई कहता है लुक एट द फाइन वर्किंग ऑफ द स्टोन। तो ये सोचते हैं मतलब कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर उसी में से एक कहता है, वी विल राइट अ लेटर टू द मिनिस्टर दैट ही हैव टू प्रिजर्व दिस बिल्डिंग बिकॉज इट इज मोर बेनिफिशियल। सो ये सब सुनने के बाद उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें इसे प्रिजर्व करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं पॉइंट्स में। अगर हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं, जो भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, अगर सदर्न पार्ट में देखिए तो मैक्सिमम टेम्पल्स हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल, और देखिएगा तो इधर हमारा सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, तो काफी सारे टेम्पल्स हैं। नॉर्दर्न पार्ट में देखे तो रेड फोर्ट, ताजमहल, अशोका पिलर्स। तो ये सब क्या है, ये सब हमें बताते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट भी ये होगा, दे वर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हिस्ट्री। सेकंड देखे तो हमें उस टाइम का क्या आर्किटेक्चर था, कैसे लोग रहते थे, क्या उनका ट्रेडिशन था, इसके बारे में भी अगर पता चलता है तो मैन्युस्क्रिप्ट से तो पता चलता है, पर अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मॉन्यूमेंट से भी मिलती है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट से हिस्ट्री पता चल सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर तो पता नहीं चलेगा, उसका ट्रेडिशन पता नहीं चलेगा। तो ट्रेडिशन और कह सकते हैं हैबिट्स के बारे में, कैसे लोग रहते थे उसके बारे में अगर हमें किसी से पता चलता है तो वो एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सोर्स हमारा ओल्ड बिल्डिंग्स है। मैन्युस्क्रिप्ट तो है ही हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स, पर ओल्ड बिल्डिंग भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। चलिए बात करते हैं अपनी पहली सिटी की। हड़प्पा में अगर हम देखते हैं तो डेवलप कब हुआ ये सिटी, ये डेवलप हुआ 14700 ईयर्स अगो। पता कैसे चला, पता आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू चला। तो सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया हमारी हड़प्पा साइट को या फिर हड़प्पा सिटी को, तो वो थे ब्रिटिश पीरियड के टाइम के इंजीनियर ए कनिंगम, जो कि जब रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जब रेलवे लाइंस बन रही थी, रेलवे एक्सपेंड हो रहा था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी, उस टाइम ए कनिंगम इंजीनियर थे, उन्होंने ही हड़प्पा साइट डिस्कवर की। पर पहली बार इसको एक्सकेवेट किया दयाराम शाहनी, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने 1921 में, पर आर्कियोलॉजिस्ट ने 1991 में ही पहली बार सिटी को देखा था। ठीक, हड़प्पा का अगर करंट लोकेशन देखें, इट विल बी इन पाकिस्तान। हड़प्पा अगर देखें कैसा दिखा था जब एक कनिंगम ने इसको खोजा था, एट दैट टाइम इट वॉज जस्ट लुक लाइक माउंट ऑफ हाई क्वालिटी रेडीमेड ब्रिक्स, तो रेडीमेड ईट की तरह वो लगा था, जिसमें से उन्होंने हजारों ईटें वहां से ले ली अपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया ईट निकालने के चक्कर में। तो ये था हमारा हड़प्पा के बारे में। अब आगे देखते हैं हड़प्पा की जो सिटी वो थी वो कैसे डिवाइडेड थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो हड़प्पन सिटीज है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है हमारी, पहली है सीताडेल, दूसरा है लोअर टाउन। सीताडेल जो है वो एक हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, जैसे कि हम एक देख सकते हैं, जैसे अगर हम इसको अगर प्लेन एरिया ले रहे हैं, समझो एक जो माउंट के पोर्शन में जो एरिया बनेगा ये होता था हमारा सीताडेल, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पे बना होता था। ये जो पोर्शन होगा जो थोड़ा सा कम एल्टीट्यूड पे होगा इन कंपेरिजन टू सीताडेल, वो होता था हमारा लोअर टाउन। ठीक, तो आगे देखते हैं जो सीताडेल होता था उसका जो एरिया है वो कम है, वो स्मॉल एरिया एक्वायर करता है, पर जो लोअर टाउन है वो एक लार्ज एरिया एक्वायर करता है।
सिटाडेल पे मेनली रूलर्स रहते थे, पर लोअर टाउन पे अगर देखें वहां पे कॉमनर्स रहते थे मैक्सिमम। जो ये सिटाडेल बना था वो रूलर्स के लिए बना था, और जो हमारा लोअर टाउन है वो कॉमनर्स के लिए था। कॉमनर्स मतलब फार्मर, क्राफ्ट पर्सन, और जितने भी कह सकते हैं जो पीजेंट ग्रुप है, सारे के सारे लोअर टाउन में रहते थे, और रूलर्स और उनके रिलेटिव फैमिली मेंबर्स सीटाडेल पे रहते थे। और जो लोअर टाउन है, चाहे हमारा जो लोअर टाउन है चाहे वो हमारा सीटाडेल है, दोनों क्या है, एक बेक्ड वॉल ब्रिक से घिरा हुआ है। जैसे आप कह सकते हो फोर्टिफिकेशन हुआ है सीटाडेल पे भी और लोअर टाउन पे भी। जो इसमें ब्रिक यूज किया गया है वो बेक ब्रिक्स है, मतलब एकदम पका हुआ ईट है। और जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो पैटर्न कौन सा है हमारा, इंटर लॉकिंग पैटर्न। इंटर लॉकिंग पैटर्न के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई गई है दोनों सिटीज के, सीटाडेल पे भी और लोअर टाउन पे भी। देखते हैं इंटर लॉकिंग पैटर्न क्या है। जैसे समझो आपने बॉटम से स्टार्ट किया, आपको थोड़ी सी गैपिंग देनी है, ठीक है, ठीक है, पूरी एकदम गैपिंग दे के एकदम कह सकते हो कि इसे हम इंटरलॉकिंग अपने कॉलोनीज में बैठाते हैं, उसी तरह ये भी बैठेगा। इस तरह के बनाते हैं जो कि इजिली जो वॉल है वो तोड़ी ना जा सके, और जगह कोई भी अलग टेरिटरी आके अटैक करना चाहे उनकी टेरिटरी पे तो वो इजिली सेफ कर सके खुद की टेरिटरी को। इसीलिए इतनी स्ट्रांग वॉल बनाई गई है इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथटब की। तो मोहनजोदड़ो का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मीन्स माउंड ऑफ डेथ। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैड फाउंड ए स्पेशल टैंक, लार्जर टैंक इन द मोहनजोदड़ो, दैट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड एज द ग्रेट बाथ। चलिए फिर देखते हैं द ग्रेट बाथ पे क्या है, कैसे बना हुआ है। देखते हैं ग्रेट बाथ तब जो बना हुआ है वो पूरा क्या है, लाइंड है ब्रिक्स से। पूरा क्या है लाइंड, देखे तो हर जगह क्या है ब्रिक्स से लाइंड है, प्लस उसके ऊपर प्लास्टरिंग की गई है। आप ग्रेट बाथटब को मॉडर्न टाइम का स्विमिंग पूल समझ सकते हैं। जैसे हम ब्रिक्स से लाइंड करते हैं, उसके बाद प्लास्टर करते हैं, फिर करंट टाइम में अगर देखें तो हम उसके ऊपर टाइल्स वाइल्स लगा देते हैं, पर उस टाइम टाइल्स वाइल्स तो नहीं थी, पर ब्रिक्स से लाइंड करके उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता था। नेचुरल टार भी लगाया गया है वाटर टाइट करने के लिए सेकेंड लेयर पे। उसके बाद अगर देखे दो साइड से क्या है स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं दोनों साइड से, जो कि आपको द ग्रेट बाथटब के अंदर ले जाती हैं। बाकी सारे साइड, अगर ग्रेट बाथटब के किनारे किनारे देखे सारे साइड क्या है, रूम्स बने हुए हैं। मेनली इस टाइम जो रूम्स बनते थे वो कपड़े बदलने के लिए बनते थे, क्लोथ चेंज करने के लिए बनते थे। करंट टाइम में भी आप देखिए तो आप जहां भी स्विमिंग पूल पे जाएंगे, चाहे आप वाटर पार्क जाते हैं, तो आपको रूम्स मिलते हैं आपको क्लोथ चेंज करने के लिए। तो उस टाइम भी रूम्स इसीलिए पर्पज के लिए बनवाए गए थे। जो वाटर आता था इस द ग्रेट बाथटब में वो आता था वेल से, और हमेशा जब यूज करने के बाद वापस इसको ड्रेन कर दिया जाता था। और इसमें जो नहाते थे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सन से, जैसे रूलर्स, वो भी स्पेशल ओकेजन्स, ऐसा नहीं कि रोज चले नहाने वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था वाटर फिलअप करना, वाटर फिर खाली करना। इसीलिए स्पेशल लोग ही स्पेशल ओकेजन में इसमें नहाते थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो चलिए देख लेते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जो हमारा पहला है फायर अल्टर्स, तो फायर अल्टर्स के जो ट्रेसेस हैं, इसके जो ट्रेसेस हैं वो हमें मिलते हैं लोथल और कालीबंगन से। कालीबंगन से जहां पे क्या किया गया है, वेयर सैक्रीफाइसेस में परफॉर्म्ड। सेक्रीफाइसेस का मतलब जैसे पूजा पाठ टाइप का कुछ भी सेक्रीफाइस जैसे हुआ हो, वो सब चीजें कहाँ पे मिली है हमें, लोथर और कालीबंगन से। वहीं से फायर अल्टर्स के हमें ट्रेसेस मिले हैं, एविडेंस मिला है, तभी आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कालीबंगन और लोथल में मे बी सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया गया है, इसीलिए हमारे पास उनके लोथल और कालीबंगन से फायर अल्टर्स मिले हैं। नेक्स्ट आता है स्टोर हाउस। स्टोर हाउस देखिए तो काफी जगह से मिला है हमें। जैसे अगर हम देखें पहला, तो पहला हमारा मोहनजोदड़ो ही है, पहला हमारा मोहन जोदारो, पहला मोहनजोदड़ो है। दूसरा देखें तो हमारा हड़प्पा है। तीसरा
तीसरा देखे तो लोथल। उस टाइम स्टोर हाउसेस का पर्पस था, ग्रेन स्टोर करते थे लोग, तो ग्रेन जो स्टोरेज मिले हैं हमें वो तीन जगह से मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। अब इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पन ड्रेस पैटर्न की, उनके हाउस पैटर्न की, ये सारी चीजें हम बात करेंगे।